आणि त्याचबरोबर आपण जर बघितलं तर ही संपूर्ण प्रक्रिया जी आहे ती पॉलिटिकल पार्टी नेमकी कोणती आहे ह्याच्यापासून सुरुवात होणार आहे. आणि आपल्याला जर बघितलं असेल, आपण ह्यापूर्वीही इलेक्शन कमिशननी पण ह्या विषयातला निर्णय घेतला आहे, पण तो निर्णय प्रॉस्पेक्टिव्ह आहे, आपल्याला निर्णय रेट्रोस्पेक्टिव्ह घ्यायचा आहे. 3 महिने कळीचा मुद्दा सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय, हे बघा, मी आपल्याला सांगितल्याप्रमाणे रिझनेबल टाईममध्ये आपल्याला निर्णय घ्यायचा आहे. आणि रिझनेबल टाईम हे आज मी तुम्हाला सांगू शकत नाही, कारण संपूर्ण प्रक्रिया संपूर्ण करण्यासाठी जेवढा योग्य वेळ लागेल तेवढा रिझनेबल टाईम असेल. तुमच्यासाठी कोणती राजकीय परिस्थिती महत्त्वाची निर्णय घेताना ही आताची काही वाल राममोहन लेते विदेश दौरा करके आए हो, लेकिन महाराष्ट्र में जो राजनीति हैपनिंग हुई है उससे आपको क्या लगता है, क्योंकि ठाकरे ग्रुप के जो MLA है वो विधानसभा सचिव के पास गए थे और उपाध्यक्षों को भी मिले हैं, क्या आप पर दबाव बना रहे हैं? देखिए, मैंने इसके पहले भी कहा है कि मैं जो निर्णय लूँगा वो संविधान में दिए हुए प्राविधानों के आधार पर, विधानसभा के जो नियम है उसके आधार पर, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो गाइडलाइंस दिए हैं उसके आधार पर मैं निर्णय लूँगा. और विधानसभा के बाहर करने वाली टिप्पणी, जो टिप्पणी कर रहे हैं उनके ऊपर मुझे ध्यान देने का कोई भी मनस नहीं है और कोई भी ज़रूरत नहीं है, और ऐसे बाहर किए गए हुए टिप्पणी पर मैं ध्यान भी देता नहीं. अभी कामकाज तो पहले से ही चालू है, जिस दिन से पिटिशन्स फाइल हुए तब उस दिन से कामकाज चालू हुआ है. अभी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस और दिए हैं, तो उन गाइडलाइंस के आधारों पर आगे का कामकाज होगा. 15 दिनों के अंदर निर्णय लेने का पत्र है वो विधानसभा सचिव ने, मैं ऐसे ध्यान नहीं देता 15 दिन 20 दिन, जितना समय विधानसभा के नियमों के आधार पर लगेगा, जो संवैधानिक प्राविधान है उनको पार करने के लिए जितना समय लगेगा, सुप्रीम कोर्ट ने दिए हुए जो अपने जजमेंट में प्रिंसिपल्स है, गाइडलाइंस है, वो पूरा करने के लिए जितना समय लगेगा उतना समय मैं लूँगा. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर हे मुंबईमध्ये दाखल झालेले आहेत, कोर्टानं दिलेल्या नियमानं निर्णय घेऊ असं राहुल नार्वेकर म्हणाले. त्यानुसार संविधानाच्या ज्या तरतुदी आहेत या तरतुदींनुसार आपण निर्णय घेऊ. 15 दिवस 16 दिवस किंवा 20 दिवस असं मी मानत नाही, याचा पूर्ण अभ्यास केल्यानंतर आणि सुप्रीम कोर्टाच्या गाईडलाईन्सनुसार आणि घटनेच्या तरतुदीनुसार आपण निर्णय घेऊ असं पुन्हा राहुल नार्वेकर यांनी सांगितलेलं आहे.